राम राम बहनों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत कर रही है। एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी से संकटा माता की कथा लेके आई है। वैसे आप सबके बताए दी जानकारी के लिए कि संकटा माता की कथा में जौन बाटे है चावल के पीड़ा खिया जाता, लेकिन इस शादी के वीडियो है यानी विवाह शादी के, तो उसमें जो मीठा आया है वही चीज़ खिलाया जा रहा है। और बहुत ही सुंदर सी कहानी लेकर के आई हूँ। हमारे सभी जो भी दर्शक भाई बहन हैं, हमारी कहानी पसंद करिए, कहानी को पूरा सुनिए। कहानी कैसा लगा था कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी जरा भी अच्छी लगे तो चैनल पर, जे भी नए यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर ली हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। हम सोचे थे कि कहानी जो हम आप सबके सुनाई वो चैनल वीडियो के माध्यम से सुनाई तो ज़्यादा अच्छी लगे आप सबके, ताकि आप सब भी देख पाए कि गाँव के रीति रिवाज कैसे ना। तो शादी में जौन बा जो दुल्हन लड्डू पावत ना, वही सब चीज़ उसमें प्रसाद के लिए पहले ही निकाल दिया जाता है, तब जाके बांट जाता है। हमारे गांव के रीति रिवाज है, तो यहाँ से बहुत सुंदर से कहानी लेके आई है। आप लोग कहानी के पूरा श्रवण करिए। तो ये जो बात संकटा माता की कहानी आप सबके सुनावत है, कहानी के पूरा सुनिए। इतना आशीर्वाद तो जरूर दे दें, चैनल पर नया आए तो सब्सक्राइब कर लेंगे। अब आपके भी घर परिवार में खुशियाँ आवे, तभी ताकि आप भी संकटा माता के, अवसानी माता के सारी मतलब पूजा होता है, मीठा निकाल के रखा जाता है सुबह से, और माता रानी सबकी इच्छा पूरी करत है। एक बूढ़ा नहीं चलो कड़ी में कहते हैं, ऐसा होता है ना कि जो बाहर के लोग सुनते हैं, जैसे हमारी गांव की जो चाची माँ दादी माँ हैं वो जब सुनती हैं तो उनको दिक्कत नहीं होती है, वो समझ जाती हैं हमारी भाषा। लेकिन जो बाहर के लोग सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो उनको थोड़ा लैंग्वेज कम समझ में आती है, हम किस भाषा में बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये हमारी हिंदी है, अवधी है। तो आइए बहुत बढ़िया से कथा शुरू करते हैं। एक बुढ़िया थी, उस बुढ़िया का एक बेटा था जिसका नाम राजा राम था। राजा राम धन कमाने के लिए परदेश चला गया। बुढ़िया अपने पुत्र के विदेश जाने से बहुत चिंतित और दुखी रहने लगी, क्योंकि बहू उसे प्रायः नित्य खरी खोटी सुनाने लगी। पता हो भैया सबकर खरी खोटी सुनावती है, ऐसे कौनों बात ना है ना जो उन बा, लेकिन सुनावे के ना चाहिए। कहें से बूढ़ पुरानिया अगर हम कुछ गलत कहते तो ठीक ना होते, खरी खोटी सुनाया करती थी। इसलिए बुढ़िया प्रतिदिन चिंतित और उदास रहती थी। घर के बाहर स्थित कुएं पर बैठकर रोजाना रोया करती थी और अपने बेटे को याद किया करती थी। बुढ़िया का यह क्रम रोज चलता रहा। एक दिन कुएं में से दिए की माँ नामक एक स्त्री निकली और उसने बुढ़िया से पूछा, बूढ़ी माँ तुम इस तरह बैठकर क्यों रोती हो, तुम्हें किस बात का कष्ट है, तुम मुझे अपने दुख का कारण बताओ, तुम्हारे दुख दूर करने का मैं भरपूर प्रयास करूंगी, मैं तुम्हारा दुख अवश्य दूर करूंगी। बूढ़ी माँ कहती है, बेटा जब अपने ही दुख नहीं दूर कर पा रहे हैं तो आप हमारा क्या दुख दूर करेंगी। लेकिन वह स्त्री कहती है, नहीं माँ मैं आपके कष्ट जरूर दूर करूंगी, आप अपनी समस्या को मुझे बताइए। बुढ़िया ने उस स्त्री का प्रश्न सुनकर कोई भी जवाब नहीं दिया, ऐसे ही सोचने लगी, ऐसे ही परेशान होने लगी, बोला नहीं हम नहीं बताएंगे। दिए की माँ बार बार एक प्रश्न दोहराए जा रही थी। वह बुढ़िया इस बात को सुन झुंझला उठी। उस बुढ़िया ने दिए की माँ से कहा, तुम मुझे बार बार ऐसा क्यों पूछ रही हो, क्या तुम सचमुच ही मेरा दुख जानकर उसे दूर कर दोगी। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उत्तर दिया, अवश्य ही तुम्हारे कष्टों को मैं दूर कर दूंगी माँ, तुम्हारे कष्टों को दूर करने का मैं प्रयास करूंगी। बुढ़िया ने दिए की माँ से ऐसा आश्वासन पाकर कहा, मेरा बेटा कमाने के लिए परदेश गया है, उसके पीछे मेरी बहू मुझे बहुत बुरा भला कहती है, बहुत सताती है मुझे, बहुत प्रताड़ित करती है, परेशान करती है, यही कारण है कि जिससे मैं परेशान रहती हूँ और घर के बाहर आकर यहीं बैठ करके अपना दुख रोती हूँ। बुढ़िया की यह बात सुनकर दिए की माँ ने कहा, यहाँ एक वन है में संकटा माता रहती हैं, तुम अपना दुख उनसे सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करो। माँ बहुत दयालु हैं, दुखियों के प्रति वह बहुत ही सुहानुभूति रखती हैं, निसंतानों को संतान, निर्धनों को धन और निर्बलों को बलवान और अभागों को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है। कुंवारी कन्याओं को अपने इच्छित वर की प्राप्ति होती है, जो जैसा चाहती हैं घर परिवार, रोगों से मुक्ति पाने के लिए भी उनसे आप कह सकती हैं। इसके अलावा जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है, आप उस बूढ़ी माई के पास जा करके संकटा माता के पास अपनी समस्या बोल सकती हैं। दिए की यह बात सुनकर, विलक्षण बात को सुनकर बुढ़िया संकटा माता के पास गई और उसके चरणों में सिर रखकर विलाप करके रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। संकटा माता बड़े ही दयालु होकर बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया तुम किस कारण अपने दुख से बार बार रोती रहती हो,
बुढ़िया ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानती हैं, आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। मेरे दुख को दूर करने का आश्वासन दे तो मैं अपनी दुख गाथा आपको सुनाऊं। दोस्तों, अगर कोई भी आपके कष्ट दूर करता है तभी आप उससे अपनी समस्या कहिए, अन्यथा ऐसे ही खैरात की तरह अपनी समस्याओं को कभी बांटना नहीं चाहिए। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, मुझे पहले अपना दुख बताओ, दुखिया का दुख दूर करना ही मेरा काम है। ऐसी संकटा माता की बात सुनकर बुढ़िया ने कहा, हे माता, मेरा लड़का परदेश चला गया है और उसके घर में ना रहने से मेरी बहू मुझे तरह तरह की गालियां, तरह तरह की बातें सुनाया करती है। उसकी बातें मुझसे सहन नहीं होती, इस कारण मैं परेशान होकर बार बार रोती हूँ, दिन भर परेशान रहती हूँ। बुढ़िया की इस दर्द भरी कहानी को सुनकर संकटा माता ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मन्नत मनौती मांग कर मेरी पूजा करो, इससे तुम्हारा लड़का सकुशल वापस आ जाएगा। मेरी पूजा के दिन सुहागन स्त्रियों को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराना, ऐसा करने से तुम्हारा लड़का अवश्य ही तुम्हारे पास आ जाएगा। संकटा माता की यह बात सुनकर उनके कहे अनुसार बुढ़िया अपने घर आती है और संकटा माता की मनौती मानकर उनकी पूजा करती है, सुहागन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। परंतु विचित्र बात यह हुई, जब बुढ़िया ने स्त्रियों के लिए लड्डू बनाने शुरू किए तो उससे 7 की जगह 8 लड्डू बन गए। इस बात से बुढ़िया बहुत ही असमंजस में पड़ गई, ऐसा होने का क्या कारण है, कहीं मुझसे गिनने में तो गलती नहीं हो रही, अपने आप 8 लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण जरूर हो सकता है। उसी समय संकटा माता एक वृद्ध स्त्री के रूप में बुढ़िया के सामने प्रकट हुई और बुढ़िया से कहने लगी, पूछा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? यह सुनकर बुढ़िया बोली, हाँ, आज मैंने संकटा माता की पूजा अपने यहाँ रखवाई है और सुहागन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया है, किंतु जब मैं गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वो लड्डू अपने आप 8 बन जाते हैं। मैं इसी बात से चिंता में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ बूढ़ी अम्मा। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया को भी आमंत्रित किया है? बुढ़िया कहने लगी, मैंने ऐसा नहीं किया है, परंतु तुम कौन हो? संकटा माता ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही आमंत्रित कर लो, मुझे ही बुला लो अपनी पूजा में। संकटा माता ने खुद ही अपने आप को निमंत्रण करवा लिया। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उस बुढ़िया रूपधारी संकटा माता को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागने आ पहुंची और बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाई आदि भोजन कराया। इस संकट माता का उस बुढ़िया पर बहुत प्रसन्न हुई और माता की कृपा से उस बुढ़िया के बेटे के मन में अपनी माता और पत्नी से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई और वह अपने घर के लिए चल दिया। कुछ दिन बीतने के बाद वह बुढ़िया संकटा माता की पूजा सुहागनों को भोजन करा रही थी कि उसी ने उसके लड़के के आने की सूचना दी, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागिन को जिमा कर अभी आती हूँ। लड़के की बहू ने पति के आने का समाचार सुना, उसी क्षण पति के स्वागत के लिए तुरंत चल दी। लड़के ने अपनी पत्नी को देखकर मन में सोचा कि मेरी स्त्री मेरे प्रति कितना प्रेम रखती है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने आ गई, परंतु मेरी माँ को कुछ भी जरा भी प्रेम नहीं है, वह मेरे आने की खबर सुनकर अभी भी नहीं आई मुझसे मिलने। जब पूजा का काम संपन्न हो गया, सभी सुहागन भोजन करके अपने अपने घर चली गई लौट गई तो बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ अब तक तुम कहाँ थी? माँ ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी कुशलता के लिए संकटा माता की मनौती मांगी थी, वही रखी थी, उसके लिए सुहागिनों को मैं भोजन करा रही थी। संकटा माता की कृपा से उसका मन अपनी पत्नी से हट गया। उसने माँ से कहा, माँ, या तो मैं यहाँ रहूँगा या यह यहाँ रहेगी, या तो ये यहाँ रहेगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा, तुम्हें मैंने बड़ी कठिन तपस्या से पाया है, इसलिए तुम्हें छोड़ नहीं सकती, इसलिए चाहे बहू का त्याग भी करना पड़े मैं कर सकती हूँ। अतः लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकल जाने के लिए कह दिया और घर से निकाल दिया। दुखी मन से बहू एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ अपनी माँ की ऐसी बात सुनकर लड़के ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया और वह पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ कर रोने लगी। उधर से एक राजा जा रहा था, उसने उसको रोता देखकर पूछा, बहन, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने अपनी सारी व्यथा राजा को सुनाई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म की बहन हो, इसलिए तुम मत रो, मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का प्रयास करूँगा। यह कहकर राजा उस स्त्री को अपने महल में ले जाकर गया।
महल जाकर राजा ने रानी को सारी कथा सुनाई और रानी ने कहा, देखो आज से यह मेरी धर्म बहन है, इसी महल में रहेगी और इसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुंचकर कुछ दिन बाद धर्म से प्रेरित होकर रामनाथ की पत्नी स्त्री ने भी संकटा माता का व्रत आरंभ कर दिया और संकटा माता के निमित्त सुहागिनों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया। उसने रानी को भी आमंत्रित किया। जब सभी सुहागने लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी मलाई और स्वादिष्ट मिष्ठान ही हजम होता है, यह पत्थर समान लड्डू हमें नहीं हजम होगा। ऐसी अवहेलनापूर्ण बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद संकटा माता की कृपा से रामनाथ अपनी पत्नी को खोजते हुए राजा के महल में आया। वहां आकर अपनी पत्नी को संकटा माता की पूजा करते हुए देखा तो संकटा माता ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पत्नी ने कहा, मेरे प्रिय अपराध को क्षमा कर दो, मैं आपके साथ रहूंगी। पत्नी ने कहा, नाथ यह सब अपराध से ही होता है, मुझसे गलती हो गई, कोई दोष नहीं है, आप मेरे ईश्वर रूप हैं, मेरे ही अपराध को क्षमा कर दें। यह कहकर दोनों ने विधिपूर्वक संकटा माता का व्रत सुना और पूजा विधान से की। पूजा को समाप्त कर सुहागनों को जिमा कर दोनों पति पत्नी अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। घर पहुंचने पर दोनों पति पत्नी ने राजा रानी से कहा, जब मुझ पर दुख पड़ा तो आप लोग धर्म बहन मना कर मुझे आश्रय दिया, यदि आपको कोई समस्या होती है, कोई परेशानी होती है तो आप निसंकोच मेरे घर चले आना। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी अपने घर चले गए। संकटा माता के प्रसाद का निरादन करने की वजह से रानी को बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ा, राजपाट नष्ट हो गया और विपत्ति पड़ गई। तब रानी ने कहा कि हम तुम्हारी बहन के यहाँ जाते हैं। रानी और राजा दोनों वहाँ से अपनी बहन के घर पहुँच गए और बहन से सारा हाल सुनाया। बहन ने कहा, भैया भाभी ने यह सब किया था, इसकी वजह से ही विपत्ति का सामना करना पड़ा है भाभी को। बहन ने अपने घर पर संकटा माता की पूजा रखी और पूजा में रानी को प्रसाद खाने के लिए बैठाया, तब जा कर के उनका जो है पाप क्षमा हो गया। रानी राजा अपने घर प्रेम से रहने लगे और ये दोनों पति पत्नी अपनी सास के साथ अपने घर परिवार में प्रेम से रहने लगे। दोनों की इच्छा पूरी हुई। आशा करती हूँ संकटा माता हम सब की और आप सब की इच्छा जरूर पूरी करेंगे। इसलिए कोई भी कार्य आप अच्छे मन अच्छे भाव अच्छे विचार से करते हैं तो उसमें ज़रूर सफलता मिलती है। किसी भी पूजा पाठ में जिस पूजा पाठ में जो प्रसाद है हमें उसे ग्रहण करना चाहिए। पूजा पाठ में प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी चीज़ का निरादर नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोलिए संकटा माता की जय। जय हो संकटा माता, आप सब पर हम सब पर कृपा बनाए रखें।